तो फ्रेंड्स, आज ब्रायलर का मेरे शेड पर 11th डे यानी कि 11वां दिन है। तो इस वीडियो में फ्रेंड हम यही बात करने जा रहे हैं कि 11th डे इनका कैसा मैनेजमेंट मैंने किया है, और साथ ही बात करेंगे कि इनको पानी में कौन सी मेडिसिन या कौन सा सप्लीमेंट हमने यूज़ किया है। तो ये सभी जानकारी है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं हूं सन्नी होशियारपुर पंजाब से, और आप देख रहे हैं आपका ही अपना चैनल सन्नी पोल्ट्री। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं 11th डे 11वें दिन के इनके वाटर मैनेजमेंट के बारे में। तो वाटर में, इनके ड्रिंकिंग वाटर में हमने इनको कुछ नहीं दिया आज, बिल्कुल सादा जो सिंपल पानी है वही जो टंकी से ऑटोमेटिक ड्रिंकर्स के जरिए आ रहा है उसका ही जो है सेवन किया गया है। और उसके अलावा बात कर लूँ इनके फीड की, तो फीड में इनको जो है स्टार्टर फीड प्रोवाइड कराई जा रही है। और इसके अलावा फ्रेंड, जो आप देख सकते हैं कि इनका शेड में थोड़ा हुमस है, तो इसके लिए जो पंखा है वो चल रहा है हमारा, और बर्ड को थोड़ा कूल डाउन रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा फ्रेंड, यदि बात करूँ ड्रॉपिंग, तो ड्रॉपिंग का भी कोई ज़्यादा इशू नहीं चल रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक ही अभी तक चल रहा है। तो फ्रेंड, ये होगी इनके ज़रूरी मैनेजमेंट के बारे में। तो जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियो में भी कहता रहता हूँ कि यदि आपके बर्ड में कोई दिक्कत आती है, तो आपको ये नहीं है कि जैसे मैं पहले दिन से जो मेडिसिन या जो सप्लीमेंट यूज़ कर रहा हूँ आपको उनका ही सेवन करना है। तो आपको बहुत सूझ और समझ के साथ काम लेते हुए देखना होगा कि कब मेरे बर्ड को किस मेडिसिन, किस सप्लीमेंट की ज़रूरत है। तो ये सब भी आपको बहुत धीरे धीरे पता लगने लगता है। तो एकदम से यदि आप चाहेंगे कि मैं ब्रायलर पोल्ट्री फार्मिंग सिर्फ वीडियो देखकर ही स्टार्ट कर दूं, तो ये स्टार्ट करना एक बहुत बड़ा रिस्क साबित हो सकता है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो कल जो वीडियो आएगी या अगली हमारी जो वीडियो आएगी, तो उसमें जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको इनके मेडिसिन की जानकारी देते रहते हैं, कौन सी मेडिसिन देनी होती है, और जो फीड हम यूज़ करते हैं वो किस रेट पर मिलती है, और साथ ही फ्रेंड्स जो वैक्सीन है या फिर और भी जो पोल्ट्री के सप्लीमेंट जो हम यूज़ करते हैं उसका पूरा एनालाइज कर आपको बताते हैं। तो यदि आप सन्नी पोल्ट्री के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो सन्नी पोल्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर किया करें, ताँ जो आपको हमारी जो सभी जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उनके जो है नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो जो सभी वीडियो देखने के लिए आप सन्नी पोल्ट्री चैनल पर जाकर जो हमारी एक लिस्ट बनाई हुई है स्पेशल जो है डे बाई डे ट्रेनिंग जो ब्रायलर्स फार्मिंग में आना चाहते हैं उनके लिए है, तो वहाँ पर आप जाकर सन्नी पोल्ट्री की ये सभी ट्रेनिंग वीडियोस देख सकते हैं कि हमें अपने ब्रायलर की केयर कैसे करनी होती है। तो कल मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी अगली वीडियो के साथ। सन्नी पोल्ट्री को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।